हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सहकारिता विभाग की परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग का वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग लेन देन शब्दावली। वही इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर दर्शाने की कोशिश करूंगा जो परीक्षा उपयोगी हो सकेगा, और जो बिल्कुल सामान्य है उनको छोड़ता चले जाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं बैंक क्रेडिट। नाम से स्पष्ट है बैंक के लिए या बैंक से लिया गया ऋण, मैंने बैंक क्रेडिट माने बैंक से लिया गया ऋण एक क्रेडिट कहते हैं जो आपसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर बैंक क्रेडिट धन की वह राशि है जो एक व्यवसाय या व्यक्ति बैंक से उधार लेता है या ले सकता है। इसमें बंधक, क्रेडिट कार्ड, खातों के साथ साथ ओवरड्राफ्ट लाइन जैसी चीजें शामिल है। बैंक होता है बाउंस चेक। अब इसके बाद आप आता है चेक, तो आपने जाना होगा चेक को, तो अच्छी तरह से जानते हो चेक क्या काम आता है क्या नहीं आता, तो उसके बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आता है जब चेक बाउंस होता है तो कैसे होता है, क्यों होता है, तो बाउंस चेक क्या होता है ये हम लोग को जानना जरूरी है। तो बाउंस किया गया चेक एक चेक होता है जिसे बैंक पे को देने से इनकार कर देता है। बाउंस चेक की स्थिति आमतौर पर तब होती है जब सिग्नेचर मिसमैच या अन्य वैध कारणों के अलावा भुगतान कर्ता खातों में अपर्याप्त धनराशि होती है। अर्थात अगर आपने किसी को चेक काट दिया, आपने किसी को चेक काट दिया और आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो वो बाउंस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, उसको हम बाउंस कहते हैं। अगर चेक में आपका सिग्नेचर मैच नहीं हो रहा तो भी बाउंस हो सकता है। अब आता है बैंक रेप्सी या दिवालियापन क्या होता है। आपने सुना होगा दिवालियापन, दिवालियापन होगा वह व्यक्ति दिवालिया हो गया, तो ये दिवालियापन होता क्या है। तो दिवालियापन एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें डिफॉल्टर की संपत्ति जिसे एक दिवालिया देनदार के रूप में भी जाना जाता है को लाभ पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। माने दिवालिया जो दिवालिया हो गया उसको लाभ पहुंचा रहा है। इसमें इस कानून के माध्यम से ऋण लेने वाला ऋणों से राहत की अपेक्षा करता है जब वह ऋण नहीं चुका सकता। दिवालियापन अक्सर अदालत के आदेश द्वारा लगाया जाता है। तो यहाँ पर ये मान के चलिए कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने करोड़ों रुपए, माने एक करोड़ दो करोड़ जितना भी करोड़ रुपए या सौ करोड़ दो सौ करोड़ जो बड़े बड़े लेते हैं और लेके अपने एक फैक्ट्री लगाया और फैक्ट्री चली नहीं और हो सकता है कि भूकंप में आपका विनाश हो गया। अगर आपने ये दर्शाते हो आप कानून तरफ से कि फला व्यक्ति अब वो चुका नहीं पाएगा तो आप उसको बैंक उससे ज्यादा परेशान उसको नहीं करेगा, यही है दिवालियापन। लेकिन आप अपने आप को घोषित नहीं कर सकते, इसको वास्तव में घोषित करेगा कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा सही देखनी, तो हर आदमी पैसा लेके अपने आप को दिवालिया घोषित कर देगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर दिवालिया तभी घोषित किया जा सकता है जब वास्तव में बैंक पाएगा कि हाँ इस आदमी के पास वास्तव में पटाने लायक पैसा नहीं है, तभी वो दिवालियापन घोषित होगा। इसी संबंधित एक और शब्द होता है इनसॉल्वेंसी। इनसॉल्वेंसी एक संगठन, परिवार, व्यक्ति या कंपनी की एक शर्त है जिसे दिवालिया होने पर डिक्लेयर किया जाता है। जब वे समय पर अपना ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो उनको इनसॉल्वेंसी के नाम से जाना जाता है, इसी का एक प्रकार। बिल की अगर बात कर दिया जाए तो बिल एक तरह का ऑनलाइन बिल है जिसके माध्यम से शॉर्ट टर्म ऋण सुविधा का प्रयोग करने वाले देनदारों को स्पेसिफाइड डेट कब तक भुगतान के लिए कहा जाता है। अब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब आप इस्तेमाल करते होंगे, आप सब डेबिट कार्ड से परिचित है, बट दोनों में एक कुछ अंतर होता है, उस अंतर को यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है। देखो डेबिट कार्ड अगर पढ़ के बताऊं और समझाने की कोशिश करूं तो डेबिट कार्ड एक ऐसा पेमेंट कार्ड है जिसको हम लोग कैश की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और अनंत सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। यह एक क्रेडिट कार्ड के समान है लेकिन क्रेडिट कार्ड के विपरीत खरीदारी के लिए धन खरीदारी के समय कार्ड धारक के बैंक खाते में होना चाहिए। माने एक चीज है, जब मैं किसी को पेमेंट करता हूं तो मेरे अकाउंट में पैसे होने चाहिए, सबसे बड़ी बात है। अगर पेमेंट पर मेरे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो मैं उसको पेड नहीं कर पाऊंगा, माने खरीदारी के भुगतान के लिए तुरंत उस खाते में। और दूसरा चीज है, जहां मैंने पेड किया तो जिससे मैं खरीदा हूं उसके अकाउंट में तुरंत पैसे चले जाते हैं, यह सुविधा होती है डेबिट कार्ड में। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो होता है ये दूसरा अर्थ होता है। क्रेडिट कार्ड ऐसा कार्ड है जिसके द्वारा एक क्रेडिट लिमिट तक आप खरीदारी कर सकते हैं। बैंक आपको बोल सकता है कि भाई आप 1 लाख तक खरीदारी कर सकते हैं या 50,000 तक खरीदारी कर सकते हैं, जितना आपका क्रेडिट है उस हिसाब से आपको बैंक में जितना क्रेडिट है आपके पास, जितना आप अमीर है उस हिसाब से आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है।
और आपके क्रेडिट स्कोर के इतिहास के आधार पर कार्ड जारी करने वाला संस्था द्वारा सीमा तय की जाती है। आमतौर पर एक उच्च क्रेडिट स्कोर और बेहतर क्रेडिट इतिहास आपको एक उच्च सीमा प्रदान करती है। यहाँ पर ये चीज आपको दिमाग में रखना है कि क्रेडिट कार्ड और उसमें और बाद में, और एक चीज और है कि महीने के अंत में आपको पैसा चुकता कर सकते हैं आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा। तो ये सुविधा दोनों में आता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में। अब आता है बैंक एश्योरेंस की बात करते हैं। तो बैंक एश्योरेंस एक बैंक और एक बीमा कंपनी के बीच का संबंध है जिसका उद्देश्य बैंक के ग्राहकों को बीमा उत्पाद या बीमा लाभ प्रदान करना होता है। जब आपके पास अगर खाता होगा तो आपने देखा होगा कुछ पैसे कट जाते हैं, सड़क दुर्घटना में कट जाते हैं या किसी और के कटवा सकते हैं, आप 60 साल तक कटवा सकते हैं कि आपके न रहने पर, किसी जो बैंक खाता का न रहने पर उसके परिवार वाले को कुछ पैसा मिलेंगे। अक्सर 2 लाख का स्कीम होता है कि अगर चले जाए 2 लाख, इसके लिए गवर्नमेंट कुछ पैसा आपका प्रतिवर्ष काट लेती है, लगभग 300 रुपए काट लेती है। इस प्रकार आपका अगर खाता होगा तो आपको पता होगा, इसी को बोलते हैं बैंक एश्योरेंस। अब अपन चलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है कि आप देखो एक चीज समझ लेना, यहां पर पढ़ के सुना रहा हूं और समझा देता हूं कि रेपो रेट वह दर है जिसमें आरबीआई 1 से 90 दिन, याद रखना दिन क्या है, 1 से 90 दिन के अल्पावधि के लिए बैंक को ऋण प्रदान करता है। आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों, कमर्शियल बैंकों से कुछ ब्याज लेता है जिसे रेपो रेट कहा जाता है। अगर कम अवधि के लिए 1 से 90 दिन की अवधि के लिए अगर वाणिज्यिक बैंकों जैसे आरबीआई है, स्टेट बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को उधार दे रही है तो मैं उसको कहूंगा रेपो रेट। अगर वो 365 दिन के लिए माने 90 दिन से अधिक के लिए दे रही है तो बैंक रेट हो जाता है। बस इतना याद रखना, कम अवधि के लिए है तो रेपो रेट उसी आरबीआई, अगर कम दिन के लिए 1 से 90 दिन के लिए अगर वाणिज्यिक बैंकों को उधार दे रही है तो वो हो गया रेपो रेट। और यहीं पर अगर वो 1 से 90 दिन से अधिक दिन के लिए उधार दे रही है तो वही हो जाता है बैंक रेट हो जाता है, बैंक दर हो जाता है। आगे बताऊंगा, समझ में आ गया होगा। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब मान लिया जाए कि एसबीआई के पास कुछ ज्यादा पैसे हो गए हैं तो कुछ समय के लिए वो आरबीआई में रख देती है, तो आरबीआई जो इन बैंकों को पैसा देती है, ब्याज देती है, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। अर्थात जब दिन भर के कामकाज के बाद बैंकों की बड़ी रकम बच जाती है तो बैंक उस बची हुई रकम को आरबीआई में रख देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर बैंकों में कुछ ब्याज देता है जिसे रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। इसके बाद आता है एसएलआर। अब पहले मैं आपको समझा दूं, पढ़ दूं और इसके बाद आपको समझा देता हूं। मैंने एसएलआर स्टेचुअरी लिक्विडिटी रेशियो या हिंदी में कहूं तो वैधानिक तरलता अनुपात से बैंकों का कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। एसएलआर गोल्ड केस बाउंड सिक्योरिटीज के रूप में उनकी कुल जमा का निश्चित परसेंट है जिसे हर बैंक हर बिजनेस डे के अंत में अपने पास रखना होता है। मान लो कोई बैंक है और वो 100 करोड़ से अपना व्यवसाय स्टार्ट करना पड़ता है, अगर 100 करोड़ पूरा उनको दे दूं तो बहुत सस्ते में वो लोन बांट देगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाई इसके बैंक को कर्ज देने की क्षमता को नियंत्रित करना है तो मैं बैंक को बोलूंगा कि यार हमको कम से कम 1% आपको अपने पास रखना ही है, ये पूरा पैसा खर्च नहीं करना, 1% अपने पास रखना ही है। वैसे तो आरबीआई कुछ भी डिसाइड कर सकता है, 1 से 40 तक कुछ भी डिसाइड किया जा सकता है। अगर आवक को रोकना है, बैंकों को बहुत ज्यादा प्रभाव और मुद्रा स्फीति हो रही है बाजार में, तो एसएलआर बढ़ा दो, ऑटोमेटिक लोन बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर लोन को सस्ता करना है तो एसएलआर कम कर दो। ये रिजर्व बैंक अपने आप जो काम करती रहती है, जिसमें मौद्रिक नीति उनका कहा जाता है, आरबीआई का मौद्रिक नीति कहा जाता है, तो यही होता है एसएलआर, जिसमें कुछ पैसा बैंक को अपने पास रखना ही होता है। इसी प्रकार होता है सीआरआर माने केस रिजर्व रेशियो। केस रिजर्व रेशियो में कुछ पैसा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, माने रिजर्व बैंक यहां पर कह रहा है बैंकों के नियमों के अनुसार बैंक को कुल केस रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना आवश्यक है, जिसे केस रिजर्व रेशियो कहा जाता है। ये भी जो बैंक होता है रिजर्व बैंक, वो अपने अनुसार महंगाई को देखते हुए यहां पर तो मुद्रास्फीति को देखते हुए ऊपर नीचे हर 6 महीने में करती रहती है। बैंक रेट मैंने कहा था 90 दिन से अधिक के लिए अगर वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई वो देती है, पैसा देती है, तो उसमें कुछ ब्याज लगाती है जिसे बैंक रेट कहते हैं, हर 6 महीने में बदलता रहता है ये।
अब आता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की बात कर लेते हैं, MSF, MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी मूल रूप वह दर है जिसके माध्यम से बैंक शॉर्ट टाइम के लिए धनराशि उधार ले सकता है। तो यह है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। रिटेल बैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो रिटेल बैंकिंग एक प्रकार का बैंकिंग है जिसमें वाणिज्यिक बैंक जो कमर्शियल बैंक सीधे खुदरा ग्राहकों रिटेल कस्टमर के साथ काम कर सकते हैं। इस प्रकार के बैंकिंग को उपभोक्ता बैंकिंग, कंज्यूमर बैंकिंग या व्यक्तिगत बैंकिंग भी कहा जाता है। अब ग्रीन बैंकिंग से तो नाम है भाई, पर्यावरण पर आधारित होगा, माने उन चीजों को लोन ज्यादा देगा ये कि जहां पर्यावरण पर ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो ग्रीन बैंकिंग पर्यावरण के अनुकूल चीजों को बढ़ावा देने के लिए और बैंकिंग एक्टिविटी को कार्बन क्षेत्र कम करने के लिए शुरू की गई मुहिम है। इसी प्रकार एनपीए की बात किया जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात की है, जब एक व्यक्ति द्वारा सही समय पर ईएमआई नहीं दिया जाता तब उस व्यक्ति को लोन अकाउंट को एनपीए कहते हैं। अर्थात यहाँ पर होता है कि मान लिया जाए मैंने 1,00,000 रुपया मैंने बैंक से लोन लिया है, 1,00,000 अगर मैंने लोन लिया है और मैं मेरे को 1,00,000 में जो बांट दिया गया कि भाई ईएमआई मेरे को बोला गया भाई प्रति महीना आपको 1,000 रुपए आपको पटाना है, लेकिन मैं भी उस पैसे को पटा नहीं पा रहा हूं 1,000, तो मैं एनपीए के अंतर्गत आऊंगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंतर्गत आऊंगा। एफडीआई क्या होता है, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक ऐसी संस्था है जो भारत में विदेशी निवेश को सहमति प्रदान करता है। मुद्रा स्फीति जो कहते हैं, मुद्रा स्फीति इन्फ्लेशन जो कहा जाता है, मुद्रा स्फीति करता है जब समय के साथ सेवाएं और वस्तुओं का मूल्य पहले से अधिक हो जाता है। अर्थात मैं अगर इसको ऐसे समझा दूं कि बाजार में मुद्रा तो बहुत है, बाजार में मुद्रा तो बहुत है, उस हिसाब से उत्पादन ना हो, उस हिसाब से उत्पादन ना हो उस तो क्या हो जाएगा कि मुद्रा तो आदमी देने को तैयार है लेकिन वस्तु उसको प्राप्त नहीं होगी, वही स्थिति मुद्रा स्फीति की होती है। एक प्रकार से महंगाई को हम मुद्रा स्फीति कह सकते हैं। ईएमआई अभी बताया कि लोन लेने पर किसी भी सामान को खरीदने पर लोन को चुकाने के लिए एक निश्चित राशि ब्याज सहित जो बैंक को दी जाती है उसे ईएमआई कहते हैं। बैंक ड्राफ्ट भी एक जैसे आपने चेक देखा होगा, चेक जैसा बैंक ड्राफ्ट भी होता है, बैंक ड्राफ्ट भी बैंक से लेते हैं। ऐसे खरीदना 100 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आप करवाए होंगे, 200 रुपए का, 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट, पहले फीस पटाया जा भी तो ऑनलाइन पड़ जाता है। पहले जब आप लोग प्रतियोगिता परीक्षा में फीस पटाते थे तो बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही पटाया जाता था, ये बिल्कुल चेक के समान हुआ करता है। बैंक ड्राफ्ट एक उपयोग किसी चेक जैसे भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोलेट्रल की बात किया जाए, तो जब ग्राहक उधार या कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तो बैंक उस व्यक्ति के संपत्ति या मूल्यवान वस्तु या उसका जमीन जायदाद को ऋण आधार बना लेती है, उसे कोलेट्रल कहते हैं, माने गिरवी रख सकता है उसका बैंक और जो भी है तो उसको कोलेट्रल कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट भी आप जानते होंगे, आप लोग कि आपके पापा मम्मी जरूर किए होंगे फिक्स डिपॉजिट, एक निश्चित राशि बैंक में जमा करो कुछ दिन बाद ब्याज सहित आपको मिलेगा, मतलब कुछ सालों बाद। तो एक ऐसा अकाउंट जहां एक निश्चित अवधि के लिए धनराशि को ग्राहकों द्वारा बैंक में जमा किया जाता है और एक निर्धारित ब्याज धनराशि निर्धारित समय पर दे दिया जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज होता है IFSC कोड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि IFSC, बहुत सारी चीजों मानते हैं कि IFSC कोड क्या है, मैंने प्रत्येक बैंक जैसे हमारे देखे SBI के देख लिया जाए तो SBI आकर होगा, यहाँ पर बहुत सारे बैंक है, SBI की बात कर लिया जाए, पंजाब नेशनल बैंक ब्रांच, इनके SBI के हजारों ब्रांच है, तो सबका जो है IFSC कोड अलग अलग होता है। तो हम पढ़ते पता जो है इसमें वास्तव में उस बैंक का जगह और पता पता चल जाता, शाखा पता चल जाता है, मैंने हर बैंक के प्रत्येक शाखा का अपना एक यूनिक कोड होता है, उसे IFSC कोड बोलते हैं। यह एक 11 अंकी, यह भी इंपॉर्टेंट है, अल्फा न्यूमेरिक कोड को ऑनलाइन फंड ट्रांसफर से निपटने वाली विभिन्न बैंक शाखाओं की पहचान करने में मदद करता है। स्विफ्ट कोड की बात भी होती है, स्विफ्ट कोड उनकी होती है जो बाहर से पैसा अपने बैंकों में मंगाना चाहते हैं, डॉलर रूप में मंगाना चाहते हैं, किसी रूप में मंगाना चाहते हैं, तो आपसे मांगेगा भाई स्विफ्ट कोड, तो उस बैंक का स्विफ्ट कोड जिसमें वो बाहर से पैसा आपके बैंक में आ जाए। तो ग्राहक जब विदेश से पैसा मंगवाते हैं भेजते हैं तो स्विफ्ट कोड के द्वारा ही उसे देश या ब्रांच के बारे में पता चलता है। अब KYC क्या है, देखो कोई भी चीज आप करवाने जाओगे, बैंक अकाउंट खुलवाने जाओगे या बैंक को कोई भी आप चेक भुगतान करने जाओगे, कुछ भी करने जाओगे, तो KYC
मांगता है आरबीआई, आरबीआई सॉरी बैंक, आरबीआई तो लागू कर दिया है इसको, मैंने आपसे प्रत्येक बैंक मांगेगा, मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें लाइसेंस हो सकता है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, कोई केवाईसी है, मैंने एक बैंक अपने ग्राहक को पहचान के लिए कुछ डॉक्यूमेंट मांगती है, इस प्रकार केवाईसी कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग बोला जाए तो ये जो अवैध पैसा है उसको वैध बनाने का तरीका है, गैर कानूनी आपराधिक गतिविधियों की तरह बड़ी मात्रा में धन कमाने की प्रक्रिया को मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। ये अवैध जो पैसा कमाते हैं उसको कर देते हैं कन्वर्टेड वैध में, यही मनी लॉन्ड्रिंग होता है, इसी को रोकने के लिए तो केवाईसी लाया जाता है। इसके बाद आता है एमआईसीआर कोड। MICR कोड जो होता है मैग्नेटिक इंक होता है, कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड 9 अंकों का कोड होता है, ये अक्सर जो होता है आप देखोगे तो जो उसमें होता है क्या बोलना है चेक में आपको ये मिलेगा, तो किसी भी शाखा का आप देखो कि शाखा का विशिष्ट रूप से पहचान करता है, चेक की पहचान के सक्षम बनाता है, जिसका अर्थ है तेजी से प्रसंस्करण, मैंने उसमें एक मैग्नेटिक कोड लगा होता है प्रत्येक चेक में, आप ध्यान से देखोगे तो मैग्नेटिक कोड लगा होता है जो शाखा आखा पूरा उसका चिट्ठा पटरा खोल देता है, तो MICR कोड कहते हैं। इसके बाद रिकरिंग डिपॉजिट, आपने पोस्ट ऑफिस में यह देखा होगा जिसके पास क्षमता रोज आप जमा कर सकते हो या आप महीने में जमा कर सकते हो, लेकिन एक निश्चित राशि उतने महीने उतने दिन के अंदर माने जितना बंधा होता है आप रिकरिंग कराएंगे उतने दिन के अंदर वो पैसा जमा करना होता है, इसमें एक अच्छा खासा कुछ दिन बाद मैंने 15 साल बाद एक अच्छा खासा आपको आय प्राप्त होती है, तो ये एक रिकरिंग डिपॉजिट होती है, यह एक प्रकार डिपॉजिट है, यह एक जो लोग को नियमित जमा करने और निवेश पर अच्छा रिटर्न अर्जित करने की अनुमति देती है। सेविंग अकाउंट, आपको मालूम है दो चीज आपने पढ़ा होगा, सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट, तो दोनों को अगर समझाऊं तो देखो सेविंग अकाउंट में सिंपल सा अगर मैं आपको समझा दूं करूं तो आप जब सेविंग अकाउंट खोलोगे और दोनों में अंतर समझ लोगे दिमाग में बैठ जाएगा। सेविंग अकाउंट में व्यक्ति जो पैसा रोज कभी भी जमा कर सकता है और कभी भी निकाल सकता है, लेकिन इसमें क्या होता है व्यक्ति तुरंत जमा और तुरंत नहीं निकालता और इसमें ब्याज लगभग 4% हर बैंक हर पोस्ट ऑफिस देती है। वहीं पर करंट अकाउंट जो होता है उसमें अक्सर जो करंट अकाउंट व्यापारी वर्ग लोग लगते हैं, व्यापारी वर्ग लोगों को जरूरत होता है आज इसको पैसा इधर भेजना कल इसको पैसा, आज डालते हैं कुछ घंटों बाद ही वो दूसरों को पैसा दे देते हैं क्योंकि उनका लोग व्यापार चलता है, तो ये करंट अकाउंट में चलता है, तो करंट अकाउंट उसी को कहते हैं जो तुरंत जो बैंक में डाले और कुछ घंटे बाद उसको निकाल लिया जाए या वो निकालने की इजाजत दे दे दूसरों को भाई आप इस पैसे निकाल लो, तो वो करंट अकाउंट कहलाता है, अक्सर विशेष करके व्यापारी वर्ग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो ये क्या होता है कि जो भी आजकल तो इसी के द्वारा होता है NEFT एक बैंक से दूसरे बैंक या एक शाखा के इसके भीतर पैसे ट्रांसफर करने के एक इलेक्ट्रॉनिक साधन है। अब ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट का मतलब है बैंक ग्राहकों को एक निश्चित राशि उधार लेने की अनुमति देता है, इसके बदले में बैंक ग्राहक से ब्याज लेता है। क्रेडिट रेटिंग क्या कहलाता है कि जब आप लोन लेते हो तो लोन अगर सही वक्त पर पटा देते हो तो आपके क्रेडिट हाई होती है, जब लोन लिए तो आपको तुरंत और ऑफर करेंगे भाई और लोन ले लिया जाए, उसी प्रकार रेटिंग मिलती है क्रेडिट की, अगर आप लोन लेने के बाद पटाने में लेट लतीफा करते हो तो आपकी क्रेडिट नीचे जाती है, बस यही है क्रेडिट रेटिंग। तो क्रेडिट रेटिंग एक उधारकर्ता या एक ऋण लेने वाले के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, उधारकर्ता की क्षमता के रूप में परिभाषित करता है कि ब्याज सहित लोन वापस चुका पाएगा या नहीं। फंड ट्रांसफर कैसे होते हैं ये देखते हैं, तो एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में धन का हस्तांतरण को फंड ट्रांसफर कहते हैं। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर एक किस्म का फंड ट्रांसफर है जिसके तहत एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट पर पैसे ट्रांसफर किया जा सकता है। NEFT के द्वारा तुरंत फंड ट्रांसफर नहीं होता जितना जल्दी RTGS में होता है। RTGS भी क्या है, ये रियल टाइम क्रॉस सेटलमेंट अर्थात द्वारा तुरंत एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे क्या हो जाते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं। तो किसका इस्तेमाल क्वेश्चन बन सकता है, बहुत जल्दी करना है तो RTGS करो। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये भी बहुत जल्दी होता है, के द्वारा ऑनलाइन फंड ट्रांसफर कर सकते हैं या तुरंत फंड ट्रांसफर करने में मदद करता है। तो ये आपका थोड़ा सा मैंने आपका बैंक से संबंधित जो पूछते हैं शब्दावली के बारे में बताया, आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।